भाई सही में ना कुत्ते जो होते हैं सबसे प्यारा जानवर, वफादार जानवर, और ऐसा लगता है ना कि ये जानवर जो है प्यार के भूखे होते हैं। और ये देखिए बस एक आवाज थी, सबसे पहले सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर मासा व्लॉग्स में। और बता दूं कि आज है संडे और घड़ी में बज रहे हैं सवेरे के 6:30, और अभी हो रही है तैयारी ग्राउंड जाने की क्रिकेट मैच के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया स्वस्थ तन और स्वस्थ मन बहुत ज़रूरी है, खासकर आजकल के समय में। तो इसीलिए तो बने रहिएगा व्लॉग में, और आज शेयर करूंगा आपसे एक बहुत ही एक अच्छी गुड न्यूज़। रहा नहीं जाता, और वो शेयर करूंगा मैं क्रिकेट ग्राउंड में पहुंच के, तो तब तक बने रहिए व्लॉग में। तो चलिए अभी चलते हैं, अभी 3-4 लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनको करना है पिक और पहुंचना है 7 बजे से पहले क्रिकेट ग्राउंड पे। शॉट शॉट डबल हो गया, अरे चौका 10 हो गए 10 रन है, सारी टीम एक्टिव हो जाती है। आए हाय छोड़ दिया शाबाश यार, धनपाल जी फायदा उठाओ जीवन दान का। अब तीसरा नहीं मिलेगा, कैच प्रैक्टिस मत कराओ अब ज्यादा। अश्विन साहब छोड़ दिया, टोनी जा, अरे नहीं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना, नहीं आउट आउट यार यार चेंज करो अपना, ठीक है। ये भी बैट था, पांडे सारे गया, बल्ले बड़े हल्के हैं सर, टेनिस की बॉल के खेलने के लिए। और ये ऑपोजिशन टीम के स्टार्स। अरे कहना क्या चाहते हो, और एक कोई अनोखा अटैक जिसमें अंपायर भी परेशान। 48 रन, ओ यार हे, वेल ट्राई। अभी जस्ट क्रिकेट मैच हो चुका है खत्म, और बाकी सभी लोग एक्चुअली अभी चले गए, और क्या है कि एक दोस्त का उसका जो चश्मा था नजर का स्पेक्स वो कहीं ग्राउंड में गिर गए, तो उसको भी बाकी सभी लोग ढूंढ रहे हैं। तो आज भी मैच का दिन रहा बहुत इंटरेस्टिंग, 2 मैच हमने खेले, 1 मैच हमने जीता और 1 मैच जीता अपोजिशन टीम ने, और थोड़ी सी हो गई आज इंजरी भी। तो सर आज के मैच के बारे में थोड़ा विचार व्यक्त करें। अच्छा रहा, आप मैच में काफी घबरा गए थे परमार साहब, आज मुकेश जी को देख के ये मिस्टर गिर पड़ने वाले हैं, इनको देख आज हम भी गिर पड़ गए। अरे और ये दोनों मैचों में कितने स्कोर मारे तूने भी बता दे। अब मां रुद्रा ने बहुत बढ़िया कैच किया भाई, अपने पापा से बहुत बढ़िया फील्डिंग की इसने, कंपेरिजन देखा जाए तो है। अमरिंदर का थोड़ा सा नुकसान हो गया इसके, आज पैक्स जो थी वो गुम हो गई, मैच इससे भारी पड़ा। मिस्टर विपिन हमारे ओके सर, ये हमारा ग्राउंड भाई, मैच खेलकर हम वापस जाते हुए दोस्तों घायल अवस्था में, हमारे कैप्टन साहब और हमारे साथ घायल भी हो गए हैं, थोड़ी सी हल्की फुल्की इंजरी आई है, 2 दिन में रिकवर कर जाएंगे और वापस हमें मैदान पर मिलेंगे हमारे कैप्टन साहब, पहली कंपनी हुई। चलिए दोस्तों आज हम दिखाते हैं आपको शिवाजी पार्क, जिसका जिक्र मैंने काफी व्लॉग्स में किया है, तो आज पहली बार इसको हम दिन में आपको शिवाजी पार्क का नजारा दिखा देते हैं।
ये यहाँ पे मतलब म्यूजिकल फाउंटेन टाइप, कलरफुल फाउंटेन टाइप होता था, पर काफ़ी टाइम से अभी ये बंद पड़ा है। आद्या ने भी यहाँ पे आके, जब छोटी थी फर्स्ट टाइम आद्या आई थी यहाँ पे, तो काफ़ी एंजॉय आद्या ने किया था। ग्रीन एरिया देखिए आप कितना बढ़िया है यहाँ पे। और भाई सुबह शाम ना यहाँ पे जितने भी लोकल होते हैं मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक के लिए, बहुत लोग यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। और एरिया काफ़ी स्पेशियस है, खुला डुला है, तो स्पेस की कोई कमी नहीं है यहाँ। और ख़ासकर गर्मियों में बहुत से लोग फैमिली आउटिंग जो होती है यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करते हैं अपना। और अगर मैं अपना रूम बताऊँ, मेरा रूम जस्ट जो पीछे आप देख रहे हैं इस गली के बैक साइड में मेरा रूम है, तो मेरे रूम से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब अच्छी लोकेशन पे रूम मुझे मिला है। क्योंकि अगर आपके रूम के आसपास ऐसी स्पेस हो तो है ना, सुबह शाम का टाइम जो है वो अच्छे तरीके से स्पेंड आप कर सकते हैं। और ये जो आप मेरे पीछे यहाँ पे स्पीकर्स देख रहे हैं, ये जगह जगह पूरे पार्क में आप देखेंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ये स्पीकर्स ऐसे लगे हैं। और शाम के टाइम में इनमें जो भजन है, गुरवाणी है, मतलब जो सॉन्ग्स है या कोई ओल्ड ना बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं, वो सारे गाने इस तरह से चलते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको मिल जाएंगी ओपन एयर जिम, काफ़ी मशीन्स यहाँ पे हैं। और ये यहाँ की दूसरी एंट्रेंस जो मेरे रूम की तरफ से खुलती है, ये बढ़िया चीज़ है भाई, पक्षियों के लिए, गिलहरियों के लिए जो पानी का अरेंजमेंट जगह जगह किया गया है ना। ये देख लीजिए इसका दूसरा किनारा है, और ये यहाँ से भाई ओवरऑल जो आप देख सकते हैं, सॉरी शिवाजी पार्क जो मैंने दिखाया आपको एरिया, आपने कितना यानी बहुत ही खूबसूरत ये पार्क है। और आप स्पेस देख सकते हैं भाई, आप स्पेस देखिए, बहुत ही खुला पार्क ही है। इवन अगर आप सोचो कि आपने जस्ट वॉकिंग करते हुए इस पार्क का पूरा राउंड लेना है, तो बहुत मुश्किल है कि आप एक राउंड नॉन स्टॉप अगर इसका ले लें तो आपकी सांस फूल जाती है। अगर हाँ आपके पास प्रैक्टिस है, आप डेली रूटीन आपकी है, तो मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दो राउंड्स इसके पूरे कर सकते हो। तीसरे राउंड के टाइम में आपको बैठना ही पड़ेगा, तो जिसको ब्रिस्क वॉक बोलते हैं, ब्रिस्क वॉक मतलब छोटे छोटे कदम में जो वॉक करते हैं, तो उसके हिसाब से दो राउंड में बढ़िया यानी वार्म अप हो जाता है इस पार्क में। बाकी आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। और सॉरी एक और चीज़ जो आपके साथ शेयर करनी है, वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। तो एक्चुअली लास्ट वीक ऑन 22 फरवरी मेरी जो 7th एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी, तो यस वी हैव कम्प्लीटेड 7 ईयर्स, 7 ब्यूटीफुल ईयर्स। तो बहुत ही शुक्रगुजार हूँ डिम्पल का कि भाई धन्यवाद मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। और अभी तक जो भी थिक एंड थिन है,
जिंदगी में रहा है, डिंपल का पूरा सपोर्ट उसमें रहा है मेरे साथ, तो आई फील लकी टू यू नो हैव अ वाइफ, अ बेटर हाफ लाइक डिंपल। तो इसलिए तो 22nd को था मेरा जैसे स्पेशल डे, 7th मैरिज एनिवर्सरी, और उसी दिन एक और चीज ने जो स्पेशल बनाया उस दिन को, वो चीज मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ, यू नो परमार साहब व्लॉग्स हैव जस्ट कंप्लीटेड 500 सब्सक्राइबर्स, इनफैक्ट वी हैव क्रॉस्ड द 500 सब्सक्राइबर्स, और इसी चीज ने उस दिन को और स्पेशल बना दिया मेरे लिए, क्योंकि होता है कि आपकी मैरिज एनिवर्सरी के दिन अगर आप कोई ऐसा माइलस्टोन अचीव करते हो अपने किसी नया इनिशिएटिव जो आपने लिया है, तो है ना कि सही में बहुत अच्छा वो आपको लगता है। तो जो भी लोग अभी परमार साहब व्लॉग्स के साथ जुड़े हैं, आई जस्ट वांट टू थैंक यू ऑल कि भाई यूं ही सपोर्ट बनाए रखें, यूं ही साथ देते रहें। मैंने उम्मीद नहीं की थी, मैंने ये चैनल शुरू किया था अक्टूबर दशहरे के टाइम में, दशहरे का मैंने फर्स्ट व्लॉग इसमें डाला था, तो 5 months कंप्लीट हो चुके हैं, तो अगर एवरेज लेके चले तो 100 सब्सक्राइबर्स पर मंथ बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा मैं कर पाऊंगा इतने जल्दी, तो अभी जर्नी बहुत ज्यादा, गैजेट्स अपने इम्प्रूव करने पड़ेंगे मुझे, तो थोड़ा मैंने क्या किया था, मैंने टारगेट सेट किया था कि अभी 500 सब्सक्राइबर जब मेरे पूरे होंगे तो आई विल चेंज माय फोन, क्योंकि अभी जो मैं फोन यूज कर रहा हूँ व्लॉगिंग के लिए दोस्तों, वो कर रहा हूँ मैं 5 साल पुराना रेडमी नोट 5 प्रो, यानी 5 साल इस फोन को पूरे हो चुके हैं, मगर क्या है कि मुझे चीजें संभाल के रखने का बड़ा यू नो शौक है, क्योंकि मैं थोड़ी केयरिंग पर्सन हूं मैं, मतलब कोई भी चीज मेरे पास होती है तो मैं संभाल के उसको रखता हूं, तो इसी हिसाब से बाकी लोगों की तरह नहीं, इनफैक्ट मेरे घर पे शायद 1 या 2 साल से ज्यादा फोन यूज नहीं करते घर वाले, मगर मेरे पास अगर मैं फोन यूज करता हूँ मैक्सिमम 3-4, और सबसे ज्यादा अभी ये फोन जो मैं यूज कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों से मैं इस फोन को यूज कर रहा हूँ, और अभी तक जितने भी व्लॉग शूट हुए हैं वो इसी फोन से मैंने शूट किए हैं, तो मगर अभी मुझे मन नहीं करता चेंज करने का, मगर हाँ कभी अगर लोगों की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, थोड़ा सा क्वालिटी लोगों को ज्यादा, अपने ऑडियंस को क्वालिटी थोड़ा सा ज्यादा दिखानी है, अच्छी करनी है, तो आपको फोन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बेटर फीचर्स के साथ बेटर क्वालिटी, और इनफैक्ट 4K क्वालिटी में अगर व्लॉग्स बने तो बहुत बढ़िया उसमें रहता है। तो ये मेरी कोशिश अभी रहेगी कि फोन को चेंज करूँ और कुछ बढ़िया क्वालिटी में आपको व्लॉग्स ला के दूंगा, और बढ़िया। तो लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा सभी दोस्तों के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक मेरा साथ देने के लिए, यूँ ही साथ बनाए रखें, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि और बढ़िया इस चैनल को आगे जाके ग्रो करूं। चलिए इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को खत्म, मगर हाँ जो लोग हैं इस चैनल पर नए, प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे ब्लॉग्स की समय समय पर। तो चलिए इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, शुक्रिया।